वेलकम डियर पेरेंट्स इन माय चैनल। आज मैं आपके बच्चों के लिए स्टैंडर्ड वन लेवल का मैथ बताने के लिए आया हूँ। तो आज हम लोग शुरू करते हैं नंबर से। ये देखिए, हम शुरू करेंगे नंबर से। नंबर, ये नंबर क्या होता है? हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमने जो लिखा ये क्या कहलाता है? ये नंबर कहलाता है। ये हमने जो लिखा ये क्या है? नंबर है। आगे हम अब इसके बाद, ये तो हम समझ गए, उम्मीद है कि समझ गए हों नंबर क्या है। ये हमने जो सिंबल लिखा है मैथमेटिक्स में, जो सिंबल लिखा जाता है उसे हम नंबर कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 करके, 1, 2, 3, 4, 5 करके जो भी नंबर जो लिखा जाता है उसे हम नंबर कहते हैं। उसके बाद हम डिजिट के बारे में समझते हैं। डिजिट, ये जैसे लिखा हुआ है 11, 12, 13, हमने ये सब लिख दिया, 14, 15, 16 हमने ये लिखा। ये इसमें जो कितने सिंबल है, इसमें कितने सिंबल है? 1, 1, तो ये क्या हुआ? 1 डिजिट नंबर हुआ। ये क्या हुआ? 1 डिजिट नंबर हुआ। ये देखिए, इसमें कितने कितने डिजिट, ये इसमें कितने सिंबल है? 1 और 2, तो ये कितने डिजिट का नंबर हुआ? 2 डिजिट का नंबर हुआ, 2 अंक का की संख्या हुई। कितने नंबर का डिजिट, कितने डिजिट का ये नंबर है? 2 डिजिट का, 1, 2, तो ये 2 डिजिट का, 2 अंकों की संख्या हुई, 2 डिजिट का नंबर हुआ। मुझे उम्मीद है कितना आपको समझ में आ गया होगा नंबर क्या होता है और डिजिट क्या होता है। नंबर जो हम सिंबल के रूप में 1, 2, 3 यूज करते हैं वो नंबर है, और 1, 2, 3 लिखने में जितना जितना सिंबल यूज होता है उतना डिजिट हुआ वो। जैसे हमने एग्जांपल लिया, इसमें 1, 1 में सिर्फ सिंगल है तो ये 1 डिजिट हुआ, और इसमें 1 और 2, 2 है तो ये 2 डिजिट हुआ। अब हम लोग नंबर लिखते कैसे हैं? अगर कोई कहे 25 लिखने के लिए तो कोई ऐसे लिख देते हैं और कोई ऐसे लिख देते हैं। 25 की कौन होगा? तो असल में हमें समझना होगा कैसे हम नंबर लिखेंगे ताकि हमारा नंबर एक्यूरेट हो। तो हम ये देखते हैं इसका प्लेस हम लोग देखते हैं। आज हम प्लेस के ही बारे में बात करेंगे और आज हम प्लेस लिखना सीखेंगे। राइट प्लेस, राइट प्लेस ऑफ एवरी डिजिट इन फॉलोइंग नंबर्स। क्या लिखे हैं? राइट प्लेस ऑफ एवरी डिजिट इन फॉलोइंग नंबर्स। हमने कुछ नंबर लिख दिया, हमने लिख दिया 2, 5, 7, 3, 1, 2, 8, 9, ये हमने लिख दिया। हम ये करते हैं, इसको काउंट कैसे करते हैं और इसका वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, हम नंबर लिखने के लिए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए। हमारा राइट हैंड, दाएं हाथ की तरफ से पहला डिजिट जो होता है किसी भी नंबर का, पहला डिजिट, पहला अंक जो होता है वो वंस होता है, इकाई होता है। ये पहला नंबर वंस होता है। वंस मतलब एक, वन मीन्स क्या होता है? एक, उसी का प्लुरल है वंस। सपोज अगर हम यहां लिख देते हैं
हम लिख दिए 21। तो ये क्या हुआ, 5, 1 से ज्यादा है, 5 1 हो गया। 5 अगर मान लीजिए सिक्का, एक का सिक्का, अगर 5 एक का सिक्का होगा तो कितना होगा, 5 होगा। तो इसका वैल्यू जो है कितना होगा, सॉरी अभी हम ये नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये लिखेंगे राइट हैंड से पहला डिजिट जो होता है, ये पहला अंक जो है वो वंस होता है, इकाई होता है। तो हम इसे कितना वंस है, 5 है, तो 5 वंस हम लिख देंगे। उसके बाद ये दूसरा देखेंगे, दूसरा डिजिट जो है, दूसरा अंक जो है ये टेंस कहलाता है, ये दहाई कहलाता है। तो टेंस की जगह पर कितना है, 2 है, तो हम 2 टेंस लिख देंगे। उसी तरीके से फिर इसको हम देखते हैं, ये क्या है, वंस के प्लेस पर है, तो कितना वंस है, 3, तो हम लिख देंगे 3 वंस। उसके बाद हम ये देखेंगे, उसके बाद दूसरा डिजिट हमारा राइट हैंड, दाया हाथ ये है, दाएं हाथ की तरफ से पहला डिजिट जो होता है वो वंस होता है, और उसके बाद वाला डिजिट जो होता है वो टेंस का होता है। तो ये जो है 7 क्या है, दूसरा नंबर पे है, तो ये क्या हुआ, टेंस हुआ, तो हम लिख देंगे 7 टेंस। उसी तरीके से इसको हम देखेंगे, 1 ये क्या हुआ, वंस हुआ, कितना वंस है, 2 है, तो 2 वंस हमने लिख दिया। प्लस यहां ये क्या हुआ, दूसरा नंबर का दूसरा डिजिट क्या होगा, टेंस, तो कितना टेंस, 1, तो 1 जब है तो ये क्या होगा, टेंस ना होकर के 10 सिर्फ लिखेंगे, क्योंकि ये टेंस से ज्यादा था, 10 का 7 टाइम था या 2 टाइम था, लेकिन ये सिंगल है तो हम इसमें 1 सिर्फ 1 10 ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 10 हम 7 10 जोड़े, 7 टेंस हो गया, 7 10 हो गया, ये सिंगल 10 है, तो सिंगल में एस नहीं लगेगा, ये 10 का ये सारा प्लुरल है, इसलिए प्लुरल लग गया है। अब देखिए ये 9 क्या है, वंस के प्लेस पर है, तो 9 वंस हम लिख देंगे, वंस। और ये 8 क्या है, टेंस का प्लेस हुआ, तो 8 टेंस लिख देंगे। उसके बाद ये देखिए, इसमें जो है 1 के प्लेस पर कितना है, वंस के प्लेस पर 1 है, तो 1 सिंगल है, आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा, सिंगुलर प्लुरल पढ़ा होगा, तो एक से ज्यादा होता है तो एस लगाकर प्लुरल बनाते, तो वही चीज इसमें एस लगाया गया है, इसमें एस लगा के प्लुरल बनाया गया है। अगर ये सिंगल है तो हम क्या लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, 1 1। और उसके बाद 2 क्या हुआ, ये टेंस हुआ, तो ये 2 टेंस लिख देंगे। तो आज हम लोगों ने पढ़ा नंबर के बारे में और नंबर के प्लेस के बारे में, ये जो है ये नंबर का डिजिट जो है कौन सी जगह पे है, कौन से प्लेस पर है, उसको जानने के लिए हमने सिर्फ प्लेस लिखा है। इस नंबर में ये 1 5 कौन से प्लेस पर है, 2 कौन से प्लेस पर है, तो 5 हम दाएं हाथ से हमने सीखा कि दाएं हाथ से पहला डिजिट जो होता है वो वंस का होता है, तो 5 जो है वो पहला नंबर, पहला डिजिट है, इस नंबर का पहला डिजिट है 5, तो 5 क्या हुआ, वंस हुआ, तो 5 वंस हमने लिखा। 2 दूसरा डिजिट जो होता है वो क्या होता है, टेंस का होता है, तो दूसरा डिजिट कौन है, 2 है, तो 2 क्या हुआ, 2 टेंस हुआ। इसी तरीके से और हमने लिखा, 3 क्या हुआ, 3 वंस हुआ, और 7 टेंस हुआ, 2 क्या हुआ, वंस हुआ, और 1 टेन हुआ, 9 क्या हुआ, वंस हुआ, और 8 टेंस हुआ, 1 क्या हुआ, 1 हुआ, और 2 टेंस हुआ। टेंस, 10 एक चीज ध्यान रखेंगे, 1 या वंस जब 1 है तो समझ लीजिए जितना लिखा हुआ है, अगर 5 है तो 5 एक का सिक्का, और 10 है तो समझ लीजिए 10
का नोट जितना 10 होगा उतना नोट, जितना 10 होगा उतना 10 का नोट, तो उसको उतने से हम मल्टीपल कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो ये सब हम अगले क्लास में सीखेंगे, हम आज इतना पे ही स्टॉप करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।